नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जिया की जनरेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेव टमाटर और दूध की शानदार रेसिपी, जो कि आप इसे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने कढ़ाई ले लिया है और इसमें हमने डाल लिया है 30 से 40 ग्राम तेल, यानी 2 चम्मच से करीब तेल डाल लिया है। और हमने राय जीरा और 1 चुटकी हींग का तड़का लगा दिया है। और हमने इसमें डाल दिया है 1 तेज़पान, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा हमने इसमें तड़के में डाल दिया है। दोस्तों, जब तक ये हमारे सभी खड़े मसाले भुनते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, जिसको हमने बहुत ही बारीक टुकड़ों में काट कर रख लिया था पहले से। और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक का भूनते रहेंगे। और इसके बाद हमें हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने 8 से 10 लहसुन की गलियाँ ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसको हमने अच्छे से कूट के रख लिया था। दोस्तों, अदरक लहसुन प्याज को एकदम अच्छे से भूनते रहें, तो ध्यान रहे ये नीचे तले में चिपके नहीं। और आप चाहे तो फ्लेम को लो भी कर सकते थे, ये नीचे चिपकने लग जाए तो। और इसे कंटिन्यू इसे चलाते रहें चम्मच की सहायता से। और ये देखिए अच्छे से भुना रहा है, और जब तक ये अच्छा सा भुना नहीं तक इसे भूनते रहें। देखिए अच्छे से भून गया है। अब दोस्तों, हमने इसमें डाल दी है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। तो दोस्तों, इसे अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों, हमने मसाला सूखा डाला है, इसलिए आप चाहें तो इसमें भी पानी डाल दीजिए, नहीं तो ये मसाला जल भी सकता है। और आप फ्लेम लो कर दे थोड़ी देर के लिए, और इसमें 1/2 चम्मच पानी डाल दीजिए, ताकि जो हमारे मसाले हमने सूखे डाले थे वो जलेंगे नहीं। इस तरीके से आप मसाले को अच्छे से भून लीजिए। दोस्तों, कोई सी भी सब्ज़ी हो, ये सेव टमाटर की सब्ज़ी हो या कोई सी भी हो, उसका टेस्ट तभी आता है जब आपका मसाला अच्छे से भुनाएगा। तो आप फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, मीडियम फ्लेम पर भुनें। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। दोस्तों, सेव में भी नमक होता है, इसलिए आप नमक का विशेष ध्यान रखें, अपने हिसाब से डालें टेस्ट के हिसाब से। और अब दोस्तों, हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। देखिए दोस्तों, हमने इन्हें पहले से काट कर रख लिया था। दोस्तों, टमाटर को तब तक भुनना है मसाले में कि एक गल कर इसमें पूरी तरह से मिक्स न हो जाए, तब तक भूनते रहेगा। देखिए, हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनेंगे, एकदम ये मसाले में मिक्स हो जाएंगे, आपको लगेंगे नहीं कि टमाटर डले हैं। ये देखिए, हमने इसको पूरी तरीके से गला दिया ऐसे भून भून कर, और देखिए पूरा तेल ऊपर आ चुका है और ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब दोस्तों, इसमें अब हम डालेंगे दूध। देखिए दोस्तों, हमने 1/2 गिलास के करीब हमने इसमें दूध डाल दिया है अंदाज से, और आप अपने हिसाब से दूध डालें। आप कितने लोग के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप दूध डालिएगा। और दोस्तों, दूध डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि इसमें भी एक बार झाग आएगा, ये पूरी सब्ज़ी एकदम आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाएगी। देखिए, इसमें पूरा झाग आ रहा है ये। और दोस्तों, इसे भूनते रहेंगे। ये सेव डाल दीजिए इसमें, हमने 1/2 कटोरी करीब, लगभग 50 ग्राम के करीब हमने सेव डाली है ये। और दोस्तों, आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर दें और इसे पकाते रहें, ताकि ये पूरा झाग कम हो जाएगा और सब्ज़ी का कलर एकदम लाल कलर का हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाई, और कितना शानदार कलर आया है। और दोस्तों, अब इसमें हमने डाल दिया है धनिया, और अब हम इसको थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और देखिए, ठंडे होने के बाद ये पूरा तेल ऊपर आ चुका है और कितनी शानदार दिख रही है। अब हम इसे प्लेट में आपको निकाल करके बताएंगे। यही क्लिप दोस्तों, हमने आपको शुरू में भी दिखाई थी, जैसे हम बनाते वैसे आपको हम दिखाते। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।